द्वितीय वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय संविधान के पाठ में जो अपन चर्चा कर रहे थे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की, उसी क्रम में आज और भी कुछ विशेषताओं को देखते हैं अपन। संघवाद, भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता संघवाद है। संघीय शासन व्यवस्था स्थापित की गई है। संघवाद का अर्थ अपन जानते हैं, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शक्ति का विभाजन हो औपचारिक संविधान के तहत केंद्र और उसकी इकाइयों यानी राज्यों के बीच में, और भारतीय संविधान में भी सूची पद्धति के माध्यम से शक्तियों का, शासन शक्तियों का बंटवारा विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच में कर दिया गया है। केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और यद्यपि एक मजबूत संघ, मजबूत केंद्र की स्थापना की गई भारतीय एकता को ध्यान में रखकर, लेकिन संघीय व्यवस्था की स्थापना बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने इस विशाल देश के लिए, विविधतापूर्ण देश के लिए। और इसी संघीय व्यवस्था के तहत जो अंतिम अधिकार है संविधान की व्याख्या का, वो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। और समय समय पर कई बार विवाद भी होते हैं, लेकिन उसका सर्वोच्च न्यायालय समाधान करती है। और इसी क्रम में भारत में हम देखते हैं कि एक केंद्र सरकार तो है, लेकिन साथ में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, जहां पर बिल्कुल ही संविधान के तहत अपने स्वायत्त शासन व्यवस्था भी है। यह जो संघीय व्यवस्था है, यह कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि के संविधानों से प्रेरित है और 1935 के भारत सरकार अधिनियम से भी बहुत हद तक प्रेरित है। एक और जो विशेषता है भारतीय संविधान की, वो है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता मूल सिद्धांत है। यद्यपि यह शब्द प्रस्तावना में 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, परंतु प्रारंभ से ही संविधान निर्माताओं का उद्देश्य था कि भारत विभाजन के पश्चात पाकिस्तान के विपरीत एक धर्म आधारित राज्य नहीं बनेगा, बल्कि पंथ निरपेक्ष राज्य बनेगा, जिसमें सभी मत पंथों को बिल्कुल समानता होगी, राज्य का अपना कोई विशिष्ट धर्म नहीं होगा और सभी को समान रूप से सबके साथ, सभी पंथों के साथ, सभी मत पंथों के साथ व्यवहार किया जाएगा। और विशेष रूप से अनुच्छेद 25 से लेकर 30 का जो प्रावधान है मौलिक अधिकारों का और कई अन्य प्रावधान, वो इस पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत को पुष्ट करते हैं। एक और प्रमुख जो विशेषता है संविधान की, वो है आपातकालीन प्रावधान। संविधान में आपातकालीन उपबंध जर्मनी के वेमर संविधान से प्रेरित है और इस आपातकालीन उपबंधों की व्याख्या अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अंदर की गई है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की व्यवस्था है, बाह्य आक्रमण और जो आंतरिक अस्थिरता के स्थिति में, 356 में राज्यों में यदि संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाए तो वहां पर राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था है, और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है। तो इस प्रकार आपातकाल का प्रावधान भारत के संविधान में किया गया है। एक और जो व्यवस्था है, वो यद्यपि वो संघवाद से जुड़ा हुआ है, लेकिन भारत में इकहरी नागरिकता है। संघवाद का मूल सिद्धांत दोहरी नागरिकता को सपोर्ट करता है, समर्थन करता है, लेकिन भारत में इकहरी नागरिकता है। कुछ समय पूर्व तक कश्मीर में अलग संविधान था और उसकी अलग नागरिकता थी, लेकिन अब जो 370 धारा 370 को समाप्त कर दिया गया है, उसके पश्चात भारत, पूरे संपूर्ण भारत में एक ही संविधान है, किसी राज्य का अपना अलग संविधान नहीं है और नागरिकता भी इकहरी नागरिकता है। एक और प्रमुख विशेषता वो है, भारतीय संविधान ने समस्त नागरिकों को मताधिकार प्राप्त किया है, जिसको हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी कहते हैं। आयु अब 18 वर्ष की है, पहले आयु सीमा 21 वर्ष की थी, लेकिन 1988 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको ये किया गया, 18 वर्ष की आयु का कर दिया गया। एक जो प्रमुख और विशेषता है संविधान की, वो है समाजवाद और लोक कल्याण का इरादा। समाजवाद एक प्रमुख समानता मूलक समाज की स्थापना करने का उद्देश्य, इसको शामिल किया गया, प्रस्तावना में भी शामिल है।